नवमी के बाद जो पूजन सामग्री है या जो कलश स्थापित किया उसका जो जल है और जो आपने गेहूं और जौ आदि का जो ज्वार है उसका क्या करना चाहिए, जो जल है इसका पूरे घर में छिड़काव सर्वोत्तम होता है। जो बच जाए उसे आप पीपल आदि घर के बाहर किसी भी पौधे में डाल सकते, अंदर जो सामग्री आपने डाला जो सिक्के होते हैं वो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। जो जौ आपने लगाया उसे आप अपने धन स्थान पे तिजोरी में रख दीजिए, बच्चों को दे दीजिए, उनके बैग में कुछ डलवा दीजिए, वह प्रोग्रेस का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है। और जो बाकी चीजें